चलिए प्रिय साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सब कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं साथियों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे साथियों। तो आइए साथियों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक खत्म कर दिया था साथियों, और आज की क्लास में साथियों क्वेश्चन नंबर जो है हम 41 से स्टार्टअप करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, तो एकदम मजा आ जाएगा, कितनी बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ हम सीखेंगे, एकदम बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ठीक है साथियों, तो आइए जी स्टार्ट करते हैं एक नए उमंग के साथ साथियों। लेकिन साथियों, स्टार्ट करने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए क्वेश्चन नंबर 41, और उसको हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। चलिए देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं, यदि ए अकेला इसे इस काम को टी प्लस। अच्छा जी, देखिए जी साथियों, सवाल में कहा है क्वेश्चन नंबर 41 कि ए अकेला काम को कितने दिन में करता है, टी दिन में। ए प्लस बी टी दिन में, अच्छा ए प्लस बी जब मिल जाते हैं भैया तो टी दिन में करते हैं। आगे साथियों, ए अकेला इसी काम को टी प्लस 3 दिन में करता है, और बी अकेला इसी काम को टी प्लस 12 दिनों में करता है, तो टी का मान मुझे बताना है जी। सभी काम आपस में बराबर ही तो है, टी का मान आपको बताना है, बेहद आसान है साथियों। कई तरीके से आप बता सकते हैं, मान लीजिए मैं इसका एक दिन का काम ले लेता तो 1/t, और इन दोनों का प्लस कर देता 1/t, 1/3। साथियों देखिए, एक छोटा सा सवाल हमेशा समझ लीजिए, जब भी ऐसा सवाल आएगा यहां पे x रहेगा, यहां पे y हो सकता है, यहां पे x तो यहां भी x, यहां भी x, यहां पे y तो यहां भी y, यहां भी y, तो क्या करिए आप, लास्ट में बात वही बनेगी, टी स्केयर 12 × 36, यानी कि सिंपल सी बात, टी स्केयर बराबर इसका गुना कर लो 12 × 36, तो टी बराबर साथियों क्या आ जाएगा, 6। ये सवाल का परम सत्य आंसर है। ठीक है साथियों, तो बहुत ज्यादा डिटेल मुझे जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 42 की तरफ। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर हम 42 को हम करते हैं। ठीक, तो यहां पे इनमें से कोई नहीं होगा ना भाई, एक मिनट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, इसको हम जो है मिटाते हैं भाई, छोटा सा सवाल था साथियों। आइए जी क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, ये सवाल थोड़े एक भाषा का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए प्रिय साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा है। ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सिंपल सी बात, एक दिन में जितना बी करता इसका आधा ए करता है, तो इसकी क्षमता अगर ए की क्षमता अगर एक होगी तो बी की क्षमता साथियों क्या होगी, 2। बात समझिएगा, जितना एक दिन में बी करता है साथियों उसका आधा एक दिन में कौन करता है, ए करता है। ये बात हो गई। अगला पॉइंट साथियों क्या है, बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यहां अलग लिखते हैं, बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा, एक ही साथ लिख के छोटा कर देंगे ना, तो मान लीजिए इसने 2 किया, ये 1 करेगा, ये बात हो गई। ठीक है जी, बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा हो गया जी। अब आगे, सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में करता है, 7 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। देखिए साथियों, अब क्या करिए ना, इनकी जो ये क्षमता का रेशियो है ना उसको बराबर कर लेते हैं। देखिए बी का मान यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, ये बात बिल्कुल गलत है, दोनों जगह हम क्या करते हैं बराबर, तो यहां ऊपर 1 से यहां नीचे 2 से, तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, यहां 1 से, तो वहां भी वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है साथियों, अब कह रहा है सवाल में सी इसी काम को कितने दिन में निपटा देता है। साथियों सी जो है इसी काम को साथियों 7 दिन में निपटा देता है, यानी कि सी की अगर एक दिन की क्षमता साथियों 4 है
और इसने 7 दिन में इस काम को निपटाया, तो काम कितना रहा होगा? तो 7 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, टोटल काम साथियों क्या रहा? 28। अब सवाल में पूछा ए बी सी तीनों मिल जाए तो इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो बाबू 4 2 6 6 1 7 7 हो जाएगा, तीनों मिलेंगे तो 7 काम हो जाएगा, और 7 सेव करेंगे, 7 चौक 28, यानी कि 4 दिन साथियों। सवाल का परम सत्य आंसर है, ठीक है साथियों। तो 42 नंबर का 4 आंसर है साथियों, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आइए प्रिय साथियों क्वेश्चन नंबर 43 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, ठीक है साथियों, क्या कहा है? ए बी सी किसी कार्य को 10 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 10 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए कटाक से, 60 आएगा, 15 चौका 60 12 25 60 10 6 60, 10 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए ने कार्य छोड़ दिया। ए कार्य छोड़कर चला गया, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला जाता है, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? जब साथियों आ जाए ना कार्य कोई पहले छोड़ के जा रहा है तो क्या करेंगे आप? प्लस कहेंगे, यानी कि पहले जब कार्य छोड़कर कोई जा रहा है तो हम करेंगे प्लस, और जब कोई 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाएगा तो क्या करेंगे? माइनस। यहां पे साथियों क्या है कि देखिए क्या कहा है, कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया, तो ए की क्षमता साथियों क्या है? 6। 5 दिन पूर्व गया, तो अगर ये काम पर लगा रहता साथियों, यानी कि काम समाप्ति होने से ठीक 5 दिन पहले ये कार्य छोड़कर चला गया, जबकि ए की क्षमता क्या है साथियों? 6। अगर ये काम पर लगा रहता तो कितना काम किया होता? तो 6 5 30, तो 5 से गुना करके 6 5 क्या होता है? 30। 30 इसी में क्या करिए? प्लस कर दिए, ठीक है साथियों। अब आगे क्या कहा साथियों, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला जाता है। जब ये छोड़ता है 5 दिन पहले, बी 2 दिन बाद छोड़ता है, यानी कि सिंपल सी बात, बी जो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ा, तो 5 3 में 15, सब जोड़ लीजिए, तो 60 30 80 60 30 90 90 और 15 105 हो गया, 105 हो गया। अब सबकी क्षमता जोड़ लीजिए, तो 6 5 11 11 4 15 15 से भाग दीजिए, सवाल का परम सत्य आंसर 15 7 105, यानी कि साथियों 7 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही है, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लीजिए खटाक से, फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है प्रिय साथियों, उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। चलिए जी अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रिय साथियों क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, उसको हम आप करेंगे। 44 में क्या कहा है? ए बी अकेले, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 9 दिन में और 18 दिन में, एलसीएम क्या होगा साथियों? 18 18 का नाम 18 9 दुना में 18, ठीक है जी, तुरंत कर दीजिए। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है साथियों, तो ए अगर 2 काम करता है एक दिन में तो 3 दिन में कितना करेगा? फिर से समझो, एक दिन में 2 काम करेगा तो 9 दिन में काम को क्या कर देगा? पूरा, 9 दुना में 18। बी अगर एक दिन में 1 काम करेगा तो 18 दिन में काम को पूरा करेगा, 18 का नाम 18। सवाल में साथियों कहा कि कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, एक दिन में 2 करता है तो 3 दिन में, तो 3 दुना में 6 6 इसमें प्लस करेंगे क्योंकि पहले जा रहा है, तो 18 और 6 क्या हो गया? 24। अब टोटल काम साथियों क्या हो गया? 24 हो गया। तो कह रहा अब जो है पूरा कार्य कितने दिन में हुआ? तो एक दिन में ए 2 करता है, बी एक दिन में 1 करता है, तीनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे तो कितना कर देंगे? तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 से काट देंगे, 3/24, यानी कि 8 दिन में साथियों पूरा कार्य क्या हुआ? समाप्त हुआ, ठीक है जी। तो ये रहा आपके सवाल का आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आप जरूर यहां तक समझ पा रहे होंगे। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रिय साथियों क्वेश्चन नंबर हम 45 की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 45, सभी सवाल बेहद एक जैसे हैं। एबीसी किसी कार्य को, एबीसी बेहद आसान सवाल है, 20 30 60 दिन में, एलसीएम क्या होगा? 60 होगा,
साठ इकन्ना में साठ, तीस दुना में साठ, बीस तिया साठ, जितनी भी यहां पे आ गई यानी कि सबकी क्षमता आ गई साथियों आपके सामने। ठीक है जी, ए अगर एक दिन में तीन काम करेगा तो 20 दिन में काम को निपटा देगा, बी अगर एक दिन में दो काम करेगा तो 30 दिन में काम को निपटा देगा, सी अगर एक दिन में एक कार्य करेगा तो भाई 60 दिन में काम को क्या करेगा, निपटा देगा। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगली बात जो सवाल में बोला है मैं उसको समझना चाहता हूं। देखिए क्या कहा है, ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी व सी सहायता बी व सी की सहायता से कार्य करता है, यह कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ए जो है ये लगातार कार्य करता है साथियों, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन, तो सिंपल सी बात, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। ए आएगा पहले दिन तीन करेगा, दूसरे दिन भी तीन करेगा, लेकिन जब तीसरे दिन की बारी आई तो इसकी सहायता के लिए तो यहां पे ना तीसरे दिन में ये तो रहेगा ही रहेगा है ना, लेकिन इसकी सहायता के लिए बी और सी भी आ जाते हैं, तो दो प्लस में एक, यानी कि सिंपल सी बात तीन दिन में टोटल कितना काम हुआ, तीन तीन छः, छः तीन नौ, नौ तीन नौ, दो ग्यारह, ग्यारह एक बारह, तो नौ तीन कितना हो गया, बारह। यानी कि तीन दिन में टोटल काम साथियों क्या हुआ, बारह हुआ। तीन दिन में बारह काम हुआ, कितने दिन में, तीन दिन में। तो बारह से पहले साठ में भाग दे दीजिए, तो 12 से देंगे 12 25 60, यानी कि 5 दिन में कार्य समाप्त हो जाता जब ये काम एक दिन का होता, काम ये 3 दिन का था तो 3 दिन इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 5 3 15 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा साथियों। तो इस 45 नंबर का आंसर साथियों 15 ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है जी, तो इसको छोड़ लीजिए खटाक से भाई, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं साथियों आपको एकदम मजा आ रहा होगा, सवाल समझ जाएंगे पक्का टाइप, क्योंकि एक ही है ना। चलिए जी अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रिय साथियों क्वेश्चन नंबर जो है 46 की तरफ हम बढ़ लेते हैं। देखिए साथियों 46 क्या है इसको हम समझते हैं। कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 10-15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी 10-15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, ए अकेले ने, अच्छा पहले तो एलसीएम ले ले, 30 तो 15 दुना में 30, 10 दिया 30। सवाल में क्या कहा, ए अकेले ने इस पर 4 दिन तक काम किया, ठीक है, बाद में बी अकेले ने इस पर 5 दिन तक काम किया, उसके बाद सी ने अकेले इस पर 8 दिन, सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा कर लिया, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। वाह, देखिए साथियों यहां पे सी तो नहीं पता है, तो मुझे पता ही लगाना पड़ेगा सी की एक्चुअल में क्षमता क्या थी। साथियों सवाल में क्या कहा है, ए अकेले ने इस पे 4 दिन तक काम किया, तो ए की क्षमता 3 है ना, तो ये जब 4 दिन तक काम करेगा तो एक दिन में 3 कर रहा है तो 4 दिन में, 4 तिया में 12, तो 12 काम इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे साथियों तो क्या बचेगा, आप कहेंगे बाबू 18 बच गया, क्या बचा बाबू 18, 18 जब बच गए साथियों फिर क्या कहा, बी अकेले ने इस पे 5 दिन तक कार्य किया, तो बी एक दिन में 2 करता है ना, तो 5 दिन में 5 दुना में 10, 10 काम कर लिया, अब कितना बचा 8, और कह रहा है शेष काम को सी ने 8 दिन में निपटा दिया, तो 8 दिन में शेष काम क्या अपने पास 8 है, और सी ने 8 दिन में निपटाया, तो 8 इकन्ना में 8, यानी कि सिंपल सी बात सी की क्षमता क्या है साथियों 1 है, और आपके पास तो ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, ये तो पता ही है। अब सवाल में पूछा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए की क्षमता आपके पास 3 है, बी की क्षमता 2, तो 3 2 5, सी की क्षमता 1, 5 1 6, तो 6 से काट देंगे, 6 5 30, यानी कि 5 दिन में साथियों। ठीक है जी, तो ये 5 दिन सवाल का परम सत्य आंसर है। ठीक है जी, तो अपना सवाल नंबर 46 भी हो गया, अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 47 की, तो जल्दी से भाई स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है प्रिय साथियों, चलिए जी हम 47 की तरफ, चलिए प्रिय साथियों आइए सवाल नंबर 47 को हम करते हैं। देखिए सवाल नंबर 47 में क्या है हम उसको समझते हैं। सवाल नंबर 47 में क्या कहा है, 6 पुरुष तथा 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष प्लस में 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 12 दिन में। आगे फिर साथियों क्या कहा है, 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 14 पुरुष काम को कितने दिन में, 12 दिन में, ये भी हमने कर लिया। किसी एक का गुना करके लिख लेते हैं क्योंकि वही टोटल कार्य होता है, तो इसका इसका गुना लगाओगे तो 14 दही 140, 14 दुना 28, यानी कि 168 एम आ जाएगा। ठीक है जी, अब 12 से 12 कट गया तो 6 एम प्लस में 4 डब्ल्यू इज इक्वल टू 14 एम, तो 6 एम उधर जाएगा, बचेगा 8 एम,
इधर बचेगा चार डब्लू, तो चार इकन्ना में चार, चार दुना में आठ। सिंपल सी बात, W बराबर दो, M बराबर एक, यानी कि आदमी की क्षमता एक और औरत की क्षमता दो। तो यहाँ पे 159 M टोटल काम है, आदमी की क्षमता एक है, एक से गुना करोगे, सिंपल सी बात 159 आएगा। अब जो सवाल में कहा है वो बता दीजिए। सवाल में कह रहा है चार महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक महिला की क्षमता दो, तो चार की कितना हो जाएगी, चार दुना में आठ, आठ से काट देंगे, आठ दुना में सोलह, आठ इकन्ना में आठ, यानी कि 21 दिन में काम क्या हो जाएगा साथियों, खत्म हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, स्क्रीन शॉट लीजिए खटाक से, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 48। उम्मीद करते हैं साथियों आप जरूर समझ गए होंगे। ठीक है जी, हटाना भाई अब इसको। चलिए जी, आइए अब 48 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रिय साथियों, आइए अब क्वेश्चन नंबर जो है 48 की तरफ हम बढ़ लेते हैं। देखिए 48 में क्या कहा है, कह रहा है एक कार्य को तीन पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीन पुरुष कितने दिन में, 6 दिन में। ठीक है जी, एक कार्य को तीन पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में। 6 महिलाएं कितने दिन में बाबू, 18 दिन में, सेम काम है, 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस कार्य को दो पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे, किसी एक का गुना करके लिख लीजिए क्योंकि वही टोटल कार्य है। तो 6 × 3 = 18 एम लिख लिया, यही टोटल कार्य है। 6 × 6 = 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 3 = 3 एम और 6 × 3 = 18 W, तो 3 × 3 = 3 एम और 3 × 6 = 18। तो M बराबर 6, W बराबर 1, यहाँ पे आदमी की क्षमता 6 आ गई, औरत की क्षमता क्या है बाबू, 1 है। तो 6 से गुना यहाँ पे करेंगे, 18 6 का क्या होता है, 108। टोटल काम साथियों क्या हो गया, 108 हो गया। सवाल में जो पूछा वो बता दीजिए, सवाल में पूछा है दो पुरुष, तो एक पुरुष की क्षमता 6, तो 2 की 12 हो जाएगी। ठीक है जी, और 12 महिलाएं, तो बाबू 12 रहेगा क्योंकि एक महिला की क्षमता एक ही है। इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 24 हो गया बाबू, है ना। देखिए 108 बटे में 24, 24 चौका होता है 96, 4 बार गया, कितना बच गया बाबू, 24 चौका 96, 4 उसमें बचा 8 ही, 8 4 12, 12 बटे में 24। तो सॉल्व कर देंगे, यानी कि 4 सही 1/2, इतना दिन लगेगा बाबू। ठीक है, तो इतने दिन में कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा साथी। ऑप्शन की मैं अगर बात करूँ तो 24 6 दुना में 12, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है क्या जी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, तो साथियों उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को जो है बहुत समझे होंगे और पूरा जो है सवाल आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अगर आप यहां तक आए हैं तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए साथियों। तो इसी के साथ जो इस पार्ट का जो है समापन हुआ, अब हम कोई एक अगला जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तो पूरा आर्यश अग्रवाल खत्म करेंगे, धैर्य रखिए, सब कुछ होगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में साथियों, एक अगली टॉपिक के साथ।